बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं आप साथ में, और पाकिस्तान या इंडिया की इंटरनेशनल जो फ्लाइट है सऊदी अरब के लिए बाद उसके मुतालिक बात कर लेते हैं इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह एक और अच्छी न्यूज सामने आ चुकी है। आप भाई भी सोचते होंगे यार ये अच्छी न्यूज सामने आ रही है लेकिन फ्लाइट ओपन नहीं हो रही है। यार हकीकत बात मैं आपको अपने दिल की बताऊंगा, मैं खुद से इस चीज को लेकर काफी हैरान हूं कि पाकिस्तान क्या यार, इंडिया की या पाकिस्तान की किसी भी आप कंट्री की बात कर रहे हैं, फ्लैट अभी तक ओपन क्यों नहीं हो रही है। मस्जिद हरम में देख लें, मस्जिद नबवी में देख लें, जो समाजी फासला था उसको खत्म कर दिया गया है। अभी मौसमल रियाज जो चला है सऊदी अरेबिया में, यहां पर उसके मतलब को पिक्चर भी आपको दिखा रखा हूं मैं, ये देख लें वहां पर भाई कितने लाख लोगों ने शिरकत की, और जो फासला रखा यानी कि समाजी फासला जिसे बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं था वहां पर। आप इंजॉय करें, घूमें फिरें, पाकिस्तानी नाइट इंडियन नाइट जो जता में मुनक़िद हो रही हैं। और मैं गया था जी जोमल वतनी के ऊपर, आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी साहले समुंदर से जद्दा कॉर्नर से, वहां के हालात आपको लाइव दिखाए थे। तो भाई इन चीजों को देखते हुए तो अभी तक फ्लैट्स ओपन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी ना तो उस चीज की यानी कि वो पहले वाले केस रह गए यहां पर, ना वैसी ही शिद्दत है इस वायरस की यहां पर, तो अभी तक फ्लैट्स ओपन हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से, लेकिन अभी तक नहीं हो रही है। इसके मतलब बहरहाल जो भी सऊदी गवर्नमेंट सोच रही है जी, वो अपने कंट्री को अपने जो यहां पर मुकीम अफराद हैं उनको देखते हुए सोचते हैं जो भी है जी। अभी बात कर लेते हैं इस न्यूज के मतलब, न्यूज क्या आ चुकी है। सऊदी अरेबिया के तमाम तर बड़े शहरों में बाइक कंटाइन वगैरह के जो सेंटर हैं, कोई होटल वगैरह उन लोगों ने मखसूस किए होंगे या अलग से कोई कैंप वगैरह मखसूस किए होंगे, वो मखसूस कर दिए हैं कि भाई ये होटल, ये 5-10 होटल इस शहर में होंगे या ये कैंप वगैरह इस शहर में होंगे, यहां पर भाई जो कंटाइन वगैरह बाहर से ममालक से बंदे आएंगे उनको यहां पर कंटाइन 5 दिन का 7 दिन का जितने दिन का भी रखा जाएगा, ये तो जब फ्लैट्स ओपन होंगी उसी टाइम पता चलेगा, भी उन बंदों को उतने दिन यहां पर ठहरना होगा, यानी कि वो जगहें मखसूस कर दी गई हैं। ठीक है जी, इस चीज को देखते हुए लग रहा है कि जब ये तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं तो इंटरनेशनल फ्लैट्स भी आने वाले कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला बहाल होंगी। अच्छा, कल मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यू वीजा, विजिट वीजा वाले या वाई के थ्रू मेरे भाई आने वाले, उनमें से किसी बंदे ने अगर वैक्सीन नहीं भी लगवाई हुई है, चाहे एक डोज लगवाई हुई है, चाहे एक डोज सऊदी अरब प्लस पाकिस्तान वगैरह से लगवाई हुई है, या वो लगवाई हुई है जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा नहीं है, वो भी आ सकते हैं वाई के थ्रू। अभी भी आप आ सकते हैं, अभी अच्छा इसमें यह नहीं होगा कि आपने वैक्सीन वो नहीं लगवाई हुई है जो सऊदी अरब ने अप्रूव की हुई है, आपने नहीं भी लगवाई हुई है फिर भी आप वाई के थ्रू अभी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भाई आपको क्वारंटाइन करना होगा 5 दिन का अलहदा से। ठीक है जी, अभी ये क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं, ये उन बंदों के लिए भी बना दिए गए हैं जो कि कल ऐलान कर दिया गया है, मैंने आपके साथ न्यूज शेयर कर दी, यहां पर उसके मतलब आपको पिक्चर में दिखा भी रखा हूं, उनके लिए भी बना दिए गए हैं। और उसके अलावा मुझे पूरी उम्मीद है, और बिलाल अकबर साहब ने जैसा कि हमें बताया था कि नवंबर में इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगी, तो नवंबर में भाई मेरा खुद से ये मानना है कि स्टार्ट में ही बहाल हो जाए यही बेहतर है, अगर बाद में जाती है तो फिर मुश्किल होगी, पर नवंबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह ताला फ्लैट्स बहाल होंगी मुझे पूरी उम्मीद है। आप भाई अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, 4 दिन आए जी घूम फिर लें, खाएं पिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी फ्लैट्स ओपन होने वाली हैं, यानी कि अनकरीब ये खुशी की खबर आने वाली है।